नमस्कार दोस्तों, हमारे एडुसाइक के नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज का व्याख्यान हमारी श्रृंखला जो चलती आ रही है रागों पर, उसी का भाग है और आज का विषय है अलहिया बिलावल। और इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, ये हेड है संगीत विभाग भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। डॉक्टर यजुर्वेदी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी एक जाना माना नाम है और उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है पंडित शंकरनाथ और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति से। दोस्तों, तानपुरा पर हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस गगनजीत कौर, ये शास्त्रीय संगीत और गुरुमत संगीत में निपुण हैं, और हमारे साथ हैं तबले पर मिस्टर पार्थ। मैं इन सबका स्वागत करना चाहूँगी और मैम से मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे आज का जो व्याख्यान है उसकी शुरुआत की जाए। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो व्याख्यान है वो है राग अलहिया बिलावल पर। अलहिया बिलावल आज के दौर में एक बहुत ही जाना माना राग है और क्योंकि इसके साथ बिलावल शब्द जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि बिलावल राग से या बिलावल ठाट से इसका संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल, ये राग बिलावल ठाट से उत्पन्न है, यानी बिलावल ठाट से ही ये इस राग ने जन्म लिया है। आज के दौर पर जब हम कहते हैं कि बिलावल की बात करते हैं तो अक्सर लोग जो हैं वो अलहिया बिलावल जो है वो उस राग को गाना शुरू करते हैं या बजाते हैं, क्योंकि ये राग बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। ऐसा नहीं कि बिलावल राग लोकप्रिय नहीं है, बिलावल भी लोकप्रिय राग है और बिलावल भी एक तरह से एक जो स्केल के रूप में लिया जाए या थाट लिया जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जानने के लिए। तो प्रश्न उठता है कि मैंने अलहिया बिलावल क्यों लिया और बिलावल क्यों नहीं लिया, क्योंकि आज के दौर में जो हमारा सिलेबस है और जो हम एक तरह से बेसिक जो हम नॉलेज जब लेते हैं म्यूज़िक की, तो उसमें अलहिया बिलावल राग जो है उसको ज़रूर सिखाया जाता है। इसके भी कई कारण हैं कि जब हम रागों को सीखते हैं तो कुछ ऐसे राग हैं जिसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जिनको जानने से आगे जब हम कुछ ऐसे राग जो थोड़े से मुश्किल राग हों या जो ऐसे राग जिनमें कि आवाज़ को थोड़ा अधिक घुमाना पड़ता है या स्वरों का जोड़ तोड़ ज़्यादा होता है या कहीं वक्रता ज़्यादा होती है, तो उन रागों को सीखने के लिए अलहिया बिलावल राग जो है कहीं पर जो हमें बहुत अधिक मदद करता है या बहुत अधिक सरल बनाता है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने आपसे कहा अलहिया बिलावल तो कहीं पर भाव गए होंगे कि वक्रता शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये राग जो है वो वक्र राग है। वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी सीधी तरीके से इसमें स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता, थोड़ा घुमा के थोड़ा थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर थोड़ा पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, इस प्रकार से वक्र स्वरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये हम जब हम इसको गाएंगे या इसके स्वरों के बारे में बताएंगे तब हम आपको पूरे विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि बिलावल ठाट से इस राग का जन्म होता है, यानी ये राग के सुर हमें बिलावल ठाट से मिलते हैं। बिलावल ठाट क्या है? बिलावल ठाट में सारे गामा प धनि ये सभी सातों जो स्वर हैं वो शुद्ध हैं, यानी सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ठाट में सातों स्वरों का होना ज़रूरी है और राग में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7। तो इसीलिए ठाट जो है वो एक परिवार की तरह है जहाँ से अलग अलग रागों का जो है वो राग जन्म लेते हैं। तो इसका जो ठाट या इसका जो परिवार है इसकी उत्पत्ति के लिए वो है बिलावल। इस राग में इसको जब गाया जाता है वो दिन का द्वितीय प्रहर, यानी सुबह के टाइम जब हम गाते हैं लगभग 8 से 10 बजे के आसपास, कभी 11 बजे के आसपास भी इस राग को गाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि दिन का प्रथम प्रहर इस राग को गाया जाता है, तो एक मोटे तौर पे हम आपको कह सकते हैं कि सुबह का राग है, यानी अब हम रियाज़ करते हैं तो रियाज़ तो सुबह का रियाज़ सबसे अच्छा है, तो सुबह के रियाज़ के समय भी इस राग को गाया जा सकता है गले को घुमाने के लिए, गले को अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस देने के लिए, जो है अपने वॉइस को मॉड्यूलेट करने के लिए ये राग बहुत ही सुंदर है। इस राग की जो जाति है वो है शाड़व संपूर्ण। अब शाड़व का अर्थ है कि 6 स्वर, यानी आरोह में इसके 6 स्वर हैं और अवरोह जो है इसका संपूर्ण है।
तो आरोह में कौन सा स्वर प्रयोग नहीं होगा? आरोह में मध्यम को जो है वर्जित किया जाता है। कैसे मध्यम को वर्जित? सा ग म रे ग प, यानी गंधार से आ ग म, गंधार से मध्यम पे गए, सा ग म रे, वापिस रे पे आए, ग प, फिर गंधार से पंचम पे गए, यानी हमने उसको वर्ज किया, यानी हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वर्ज शब्द का जो अर्थ है वो है कि इसी शब्द को जो है लांघना, या उसका प्रयोग नहीं करना, उसको लांघते हुए चले जाना। तो इसमें आरोह में मध्यम स्वर जो है वो वर्ज है, उसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन अवरोह जो है उसमें मध्यम का बखूबी प्रयोग होता है, और इसीलिए अवरोह जो है इसका संपूर्ण है, यानी सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग के जो वादी और संवादी जो है वो धैवत वादी और गांधार जो है इसका संवादी। वादी, जैसे मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ कि वादी स्वर वह है जिसका कि सबसे अधिक प्रयोग होता है, या जो सबसे अधिक चमकता है, या वो स्वर जो जिस पे बार बार न्यास किया जाता है, या कहें कि वो एक अलग तरह से, जैसे एक राज्य में राजा जो है उसकी एक अलग स्थिति होती है, उसका एक अलग स्टेटस होता है, और वो अलग से चमकता है, या उससे उस राज्य की प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पर वादी स्वर जो है उस स्वर से जो है राग की प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पर धैवत स्वर जो है वो वादी स्वर है। अब वादी के संवाद में, यानी उससे उसके उससे चौथे या पांचवा जो स्वर है वो संवादी स्वर होता है, तो वो स्वर है गांधार, यानी सेकेंड इम्पॉर्टेंट नोट। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट है वो है गांधार। तो गांधार जो है उसे संवादी, यानी उसे मंत्री की उपमा दी गई है। राज्य में राजा तो है और मंत्री जो है वो भी आवश्यक है, तो मंत्री का जो पद है वो हमने गांधार को दिया है। तो जब आप गाते हैं तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं कि ये जो स्वर है जो मैं बता रही हूँ, वादी है या संवादी है, वो किस तरह से चमकता है, या उसको आप बार बार देखेंगे वो स्वर जो है अलग ही दिखाई देता है। तो इसीलिए इनको वादी और संवादी कहा गया है। और बाकी जो अनुवादी स्वर हैं वो आपको पता ही है कि बाकी सभी स्वर जो हैं वो अनुवादी स्वर हैं, यानी राजा भी है और मंत्री भी है, तो प्रजा की भी ज़रूरत पड़ेगी। किन पर शासन हो रहा है, तो प्रजा कौन सी है? जो बाकी के स्वर हैं वो प्रजा है। तो बाकी के स्वर कौन से हैं? षड्ज है, ऋषभ है, पंचम है, निषाद है, और मध्यम अवरोह में प्रयोग हो रहा, तो मध्यम भी है अनुवादी स्वर। तो ये जो स्वर है वो इस राग को सब मिलकर, वादी, संवादी और अनुवादी स्वर मिलकर जो है वो राग की एक जो है एक रूपरेखा उसको तैयार करते हैं। तो मेरी अब तक की बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि राग में आरोह और अवरोह में कौन कौन से स्वर लगते हैं, क्योंकि जाति भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी शाणव संपूर्ण जाति है, और ये भी बता चुकी हूँ कि आरोह में मध्यम स्वर जो है वो वर्जित है, और अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग है। एक शब्द मैंने प्रयोग किया है वक्र स्वर, वक्रता का। तो वक्र का मतलब है कि जिस प्रकार से सीधा न जाना, थोड़ा टेढ़े या तोड़ मरोड़ कर जाना, तो उसको कैसे प्रयोग होगा? और ये आप सुनिए, जब हम आरोह अवरोह गाते हैं उसमें आपको ये वक्रता स्पष्ट दिखाई देगी। जो जो मैंने बातें कही हैं कि इसमें मध्यम आरोह में वर्जित है, अवरोह बिल्कुल संपूर्ण है इसका, तो वो भी आपको पूरा आरोह अवरोह जानने के बाद समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं राग अल्हैया बिलावल का आरोह और अवरोह। किसी भी राग को गाने के लिए या उसके रियाज के लिए सबसे पहले हमें कुछ देर तक षड्ज यानी सा पर अपना टिकाव रखना चाहिए। यानी हम जब कहते हैं कि सा भरो या षड्ज लगाओ, सा लगाओ, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने एक बेस को तैयार कर रहे हैं, जहाँ से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम तैयार कर रहे हैं। तो पहले हम सा लगाते हैं और उसके बाद हम आरोह अवरोह का आरंभ करते हैं। जब रियाज करते हैं तो हम ओम भी कर सकते हैं, ओम।
अपने रियाज की शुरुआत के समय कभी कभी आवाज़ हमारी थोड़ी लरजती सी या थोड़ी कंपन उसमें हमें ज़रूर महसूस होती है, स्पेशली जब हम सुबह रियाज करते हैं, तो इस चीज़ को आपने अधिक ध्यान नहीं देना। एक डीप ब्रेथ के साथ जब आप सा लगाते हैं या ओम लगाते हैं तो धीरे धीरे जो कंपन है, जो एक श्रिलिंगनेस है, ये धीरे धीरे अपने आप ही सबसाइड हो जाएगी और आपकी आवाज़ एक गोलाई में लगने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपका रियाज और लगातार रियाज बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आज किया और कल आपने छोड़ दिया। आरो आपने देखा कि जब मैं आरोह गा रही थी और उसके बाद मैंने अवरोह गाया तो उसमें सीधे सीधे स्वर न होकर टेढ़े मेढ़े चले आ रहे हैं, यानी वक्र रूप से, जैसे सा ग म रे ग प। तो देखिए सा ग म रे म के बाद हम ऋषभ पर आए, रे ग प, गंधार से हम पंचम पर गए, हमने मध्यम जो है उसको इग्नोर किया, उसको हमने लिया ही नहीं, तो मध्यम जो है वो वर्जित हो गया। ध सा ग म रे ग प नि द सा, कई लोग इसमें ध नि सा ऐसे भी लेते हैं, सा ग म रे ग प ध नि सा, तो आरोह लेते समय इस प्रकार भी स्वरों का प्रयोग होता है और ग्रंथों में भी इसको बताया गया है। लेकिन जब हम राग के स्पष्ट स्वरूप को बताना चाहते हैं तो हमें आरोह और अवरोह गाते समय ही उस राग की बिल्कुल सही पिक्चर सामने रख देनी है। तो उस समय जब हम गाएंगे तो सा ग म रे ग प नी, अवरोह में देखिए सा नी द नी द प ग म रे ग प म ग म रे सा। तो अवरोह में आपने देखा सा नी द नी द प, इस प्रकार से कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है, तो सा नी ध और फिर पुनः निषाद पर जाते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे तो वो कोमल निषाद होगा, यानी दोनों निषादों का इसमें प्रयोग है इस राग में। सा नी द नी द प ग म रे ग प म ग म, इस प्रकार से जब हम स्वरों को प्रयोग करेंगे तो राग कहीं बचकर नहीं जा सकता, यानी राग की आपको पूरी पूरी एक एक रूपरेखा आपके सामने आ जाती है और फिर आप समझ जाते हैं कि जब हम राग की बढ़त करेंगे या हम उसकी चलन पर हम हमारी दृष्टि होगी तो हमने किस प्रकार से किन किन स्वरों का हमने प्रयोग कैसे करना है। तो एक पॉइंट जब मैं आरोह अवरोह बता रही थी तो आपको एक चीज़ मैंने बताई कि दोनों निषादों का प्रयोग होता है, यानी शुद्ध निषाद भी और कोमल निषाद भी। तो दोनों निषादों का जब प्रयोग होता है तो उसमें देखिए जब हम आरोहात्मक जाते हैं तो शुद्ध निषाद प्रयोग हो रहा है, अवरोह में भी हम शुद्ध निषाद ले रहे हैं, लेकिन जहाँ ये फ्रेज यूज होगा द नी द प, इतने पोर्शन में जब हम इस फ्रेज को यूज करेंगे यानी इस स्वर समुदाय या स्वर गुच्छ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर दोनों धैवत के बीच में कोमल निषाद का होना अनिवार्य है। और ये जो एक करैक्टरिस्टिक है या ये जो एक समूह है स्वरों का, ये
इस राग के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस फ्रेज से ये दूसरे रागों से अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बिलावल थाट से उत्पन्न एक राग है बिलावल राग, तो उस बिलावल राग से कैसे इसको अलग किया जाएगा? तो हम दोनों निषादों का जब प्रयोग करेंगे, और ख़ास तौर पे हम जब दोनों धैवत के साथ कोमल निषाद का प्रयोग करेंगे, तो स्वाभाविक है कि अलहिया बिलावल का स्वरूप हमारे सामने पूरे स्पष्ट तरीके से आ जाएगा। तो फिर से एक बार आरोह अवरोह गाते हैं। अलहिया बिलावल का आरोहण और अवरोहण है, और आरोह अवरोह जानने से राग का एक रफ स्केच हमारे सामने आ जाता है कि हाँ भाई, इस राग में स्वरों का इस प्रकार से प्रयोग होगा, और जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं यानी आरोह में जाते हैं तो कौन से स्वर किस प्रकार होंगे, और जब हम डिसेंडिंग रूप में आते हैं यानी अवरोह करते हैं तो स्वरों का किस प्रकार से कैसे प्रयोग होगा। अब अगली बात आती है राग की पहचान या राग का पकड़। अब राग की जो पकड़ की बात है, यानी कौन से ऐसे स्वर समुदाय, कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसको कि गाते ही हम राग का पता कर लेते हैं कि राग अलहिया बिलावल है। हर राग की अपनी एक पहचान है, तो इसी प्रकार से अलहिया बिलावल की जो पहचान है वो क्या है, उसको देखते हैं। ग म रे ग प द नी द प, इतना सा जो फ्रेज है इसको गाते ही कहेंगे भाई ये राग अलहिया बिलावल है। चाहे हम उसको ऐसे गाएं, सा ग म रे ग प द नी द प, तो वो राग अलहिया बिलावल हो जाता है। यदि हम अवरोहात्मक में भी देखें तब भी सा नी द नी द प ग म रे ग प, तब भी हम राग को पहचान लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस फ्रेज को जब भी हम गाते हैं तो राग अलहिया बिलावल की एक आइडेंटिटिकल जो उसका एक मार्क है वो सामने चला आता है, जिससे हम देख के कह सकते हैं कि भाई ये राग अलहिया बिलावल है। इस प्रकार से राग अलहिया बिलावल जो है उसके आरोह अवरोह, वादी संवादी, समय, और इसके जो हमने आपको बताया कि पहचान यानी पकड़ इसकी है, ये मैंने आपको बताया। अब राग की जो एक नेचर है या राग का जो स्वभाव है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। आपको जब आरोह अवरोह गा रहे हैं तो उसको सुनते आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अधिक चंचल राग है, ये एक गंभीर राग है, शांत राग है, और इसको गाते समय बहुत इसकी जैसे एक लय भी आप देख रहे हैं तो बहुत आराम आराम से एक स्वर से दूसरे स्वर पर तैरते हुए जा रहा है। तो इस प्रकार से ये एक गंभीर और बहुत ही सुंदर राग है, जिससे कि हम मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में राग का विस्तार कर सकते हैं। और मंद्र, क्योंकि सुबह का जब रियाज है तो मंद्र में हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे स्वर जो है, ये रियाज की वक्त बात बता रही हूँ आपको, कि हमारे मंद्र के स्वर जितने अच्छे होंगे उतना हमारा आगे मध्य और तार अधिक स्पष्ट होगा। अब न्यास स्वरों की बात आती है, तो न्यास के जो स्वर हैं वो है षड्ज और ऋषभ और पंचम। सा ग म रे रे ग प म ग म रे सा,
की शर्ज से तो शुरुआत ही हो रही है तानपुरे पर, जो तीनों जोड़ी की तार और खरज की तार शर्ज पर ही मिलाई जाती है। और पंचम भी इसका न्यास का स्वर है, यानी पहली तार तानपुरे की पंचम पर मिलाई जाए, क्योंकि पंचम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसलिए पंचम और षड्ज पंचम संवाद से इसको तानपुरा मिलाया जाता है और राग को बखूबी गाया जाता है। अब संप्रकृतिक राग यानी उसके आसपास के कौन से राग है जो उससे मिलते जुलते हैं। वैसे सबसे मेन बात देखा जाए तो आपके राग बिलावल जो है वो उसके बहुत करीब राग है, और रामपुर सदारंग परंपरा में एक शुद्ध बिलावल करके एक राग गाया जाता है जो उसके बहुत करीब है। तो क्योंकि आज के समय में शुद्ध बिलावल बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, लेकिन रामपुर सदारंग परंपरा में ये राग बखूबी गाया जाता है और इसके काफ़ी नज़दीक है। इसी प्रकार से एमनी बिलावल और देवगिरी बिलावल, ये जो राग है ये भी इसके आसपास के राग हैं, लेकिन क्योंकि एमनी बिलावल और देवगिरी बिलावल का कॉम्बिनेशन क्या है वो जब हम आगे और एपिसोड्स में हम जब इस राग को और विस्तार से जानेंगे तो उसमें आपको अधिक बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है, तो ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो शुद्ध निषाद जो है उसका इसमें अल्प प्रयोग, यानी बहुत अधिक टिकाव नहीं है। ग म र ग प नि द सा, तो जब हम रागों के इस राग में प्रयोग होने वाले जब स्वरों की बात करेंगे तो ये बात और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती है। तो हम जब इस राग के बारे में जानेंगे तो क्यों ना एक बंदिश से इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्रचलित बंदिश है और इसके शब्द हैं, सुमिरन कर मन राम नाम की, जो कछु होवे तेरा भला। अंतरा है, एक दिन वा घर जाना होगा, सोच समझ मन ज्ञान ध्यान की। तो इस राग के जो स्वर मैंने आपको बताया, देखिए आरोह अवरोह के बाद जो जिस प्रकार से राग गाया जाता है वो स्वर आपको इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। तो पहले हम इस बंदिश को गाते हैं। सा, ये बंदिश जो है ये तीन ताल में है। तीन ताल जैसे मैंने आपको बताया 16 मात्रा में तीन ताल होती है, जिसमें तीन ताली और एक खाली है। आपको पहले के एपिसोड में बता चुके हैं कि तबले पर किस प्रकार से तीन ताल बजाई जाती है। तो बंदिश जब हम गा रहे हैं इसमें सम कहाँ पर है, सुमिरन कर मन राम, राम के रा पर इसका सम है, यानी रा से तबले की पहली मात्रा जो है वो शुरू होती है। तो इस बंदिश को हम देखते हैं कहाँ से आरंभ होती है। सुमिरन भज मन राम नाम की, सुमिरन कर मन राम नाम की, जो कछु होवे तेरा भला, जो कछु होवे तेरा भला, सुमिरन कर मन राम नाम की, सुमिरन कर मन राम नाम की, सुमिरन कर नाम की। अंतरा, एक दिन वा घर जाना होगा, एक दिन वा घर जाना होगा, सोच समझ मन ज्ञान ध्यान की, सोच समझ मन ज्ञान ध्यान की, सुमिरन भज मन राम नाम की, सुमिरन भज मन राम नाम की, जो कछु होवे तेरा भला, जो कछु होवे तेरा भला, सुमिरन भज मन राम। देखिए इसमें हम जो है
जो आरोह-अवरोह के स्वर है उनको वैसे यदि गाए तो देखिए बंदिश एकदम स्पष्ट, बंदिश की नोटेशन भी एकदम स्पष्ट हो जाती है। हम ये मोटे तौर पे देखिए स्वर कैसे प्रयोग हो रहे हैं। भज मन राम नाम के सुमिरन, भज मन राम नाम के, जो कछु हो पहचान का है वो गमरे गा पदनी दापा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आ रहा है। सा गमरे सा दानी दापा अंतरे में भी प्रयोग हुआ है, तो इस पर गपनी दासा गपदनी सा तो ये भी प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब है जो हमने आरोह और अवरोह में जो स्वर बताए हैं वो इसमें राग के विस्तार में आपको एक रास्ता बता देते हैं कि किस प्रकार से राग का विस्तार करना है। तो ये बंदिश उसका एक स्पष्ट उदाहरण है और इस बंदिश को गाने के बाद फिर हम राग के और विस्तार को लेते हैं। भज मन राम नाम के सुमिरन कर मन राम नाम के, जो कछु हो गाते समय आपने एक चीज को मार्क किया होगा कि गम गम रे गा प धनी सा, इस प्रकार से बंदिश में यूज हो रहा है। तो आप ऐसे भी गा सकते हैं और ग प नी द सा इस प्रकार से भी आप गा सकते हैं, दोनों ठीक है। जब हम राग को बिल्कुल शुद्ध रूप से जानते तो ग प नी द सा ये करना जो है वो अधिक उपयुक्त होता है। ग प नी द सा नी रे सा द नी द प, यहाँ गाते ही जो है आपका अलहिया बिलावल एकदम सामने आ जाता है। तो ये तो था अलहिया बिलावल का स्वरूप और उसके आरोह-अवरोह क्या थे, न्यास के स्वर क्या है, समय क्या है, प्रकृति क्या है, सम प्रकृतिक राग कौन कौन से हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न उठता है कि अलहिया बिलावल जो है उसको जब विद्वानों ने जब इसको बनाया होगा या जब उसको गाया होगा तो इस राग में वो क्या बात है जो कि इसको बिलावल जो है उससे एकदम अलग करता है। क्योंकि ये मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ इन अ शॉर्ट वे कि बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताती हूँ, अगले एपिसोड्स में जब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे तब फिर आपको और विस्तार में बताएंगे कि बिलावल और अलहिया बिलावल में एक मोटे तौर पर क्या फ़र्क है। गम रे गा प द नी द प नी द सा, ये जो आपका अलहिया बिलावल आ गया। गम रे गा प द नी सा द नी द प, गम रे गा प द नी सा नी द प, गम रे गा प आपका बिलावल हो गया, यानी शुद्ध निषाद का जो है वो प्रयोग जो है एक डिफरेंस को क्रिएट करता है, यानी जो दोनों निषाद जो है सिर्फ अलहिया बिलावल राग में ही प्रयोग किए जाएंगे। ग प द नी सा नी द प, ग म रे ग प ध नी सा सा नी द प, ग म रे ग प म ग
मारे सा बिलावल है, ग म रे ग प द नी द सा नि द नी द प, ग म रे ग प द नी द प नी द सा, ग म रे ग प द नी द प द नी सा। इस प्रकार गाने से अलहिया बिलावल एकदम स्पष्ट रूप में सामने आता है। और देखिए, जब सूत्र के रूप में अलहिया बिलावल को डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है बिल्कुल संक्षिप्त सूत्र के रूप में, तो विद्वानों ने क्या कहा है, ठाट बिलावल प्रथम दिवस। कुछ कुछ लोग अलहिया बिलावल का समय जो है दिन का प्रथम प्रहर भी मानते हैं। उतरत दो निषाद, यानी निषाद जो है वो उतरता है कोमल, यानी दानी दापा जो मैंने फ्रेज आपको बताया है। आरोहन मध्यम तजिकर, यानी आरोह में मध्यम को छोड़कर त्याग कर, ग म रे ग प, तो देखिए मैंने मध्यम इसमें छोड़ा है। मानत धग संवाद, यानी धैवत और गांधार का संवाद, यानी वादी और संवादी कौन से हैं, धैवत और गांधार। तो पहले के समय में रागों को जब बनाया गया होगा या रागों की जब व्याख्या की जाती थी बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, या यूं कहें कि रागों को जब याद करने की बात है सूत्र के रूप में बिल्कुल संक्षिप्त रूप में जो है उसको इस तरह से पिरोया जाता था कि आपको राग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने एकदम आ जाती थी। तो देखिए इसी प्रकार से आपको बताता है, ठाट बिलावल प्रथम दिवस, उतरत दो निषाद, आरोहन मध्यम तज कर, मानत धग संवाद। तो ये कहने से अलहिया बिलावल की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो इसी प्रकार से बहुत से विद्वानों ने संस्कृत में भी सूत्र के रूप में जो है रागों की व्याख्या की है। तो राग को जानने का एक बिल्कुल एक शॉर्ट इमेज उसकी जानने के लिए ये बहुत सरल तरीका था कि उसको सूत्र में या एक छोटी सी पद के रूप में या छोटी सी कविता के रूप में उसको याद कर लिया जाए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी विशेषताओं को जान लिया जाए। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको आगे राग को बनाते हैं। जब आपको पता चल गया तो आप राग के विस्तार करते वक्त उसमें सहज रूप से उसको गा सकते हैं। तो ये तो था राग अलहिया बिलावल। हाँ, राग अलहिया बिलावल को गाते समय एक स्वर संगति है, धग, धैवत और गंधार की स्वर संगति, धग म रे ग प, ये रागवाचक है, यानी राग में लग्न राग को बताने वाली। इसके अलावा म ग म रे सा, ये भी रागवाचक है, यानी म ग रे सा इस प्रकार से प्रयोग नहीं करना चाहिए। मा गा मा रे सा, तो स्वर तो प्रयोग हो रहे हैं पूरे अवरोह में, लेकिन स्वरों को वक्र रूप से यानी सीधा सीधा नहीं हो रहा है। सा नी द नी द प, थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर को घूम गए। सा नी द नी द प, धग म रे ग प, मा गा मा रे सा, तो पूरा राग खिलकर सामने आता है। सा नी द प म ग रे सा, ऐसे हमने नहीं गाया, ऐसे करने पर कोमल निषाद कहाँ दिखाए। सा नी द नी द प, कोमल निषाद भी आ गया, शुद्ध निषाद भी आ गया। ग म रे ग प, पंचम पे न्यास भी आ गया। म ग म रे सा, तो म ग रे सा इस प्रकार से हमने नहीं लिया, उस वक्रता को ध्यान में रखते म ग म रे सा इस प्रकार से हमने गाया। एक चीज़ ध्यान रहे कि जब हम राग को गा रहे हैं तो राग को इस प्रकार से हैंडल करना चाहिए कि आप राग के स्वरों को एंजॉय कर सकें। आपको ऐसा एकदम मोनोटोनस टेक्निकल नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल आप एक एक राग स्वर से दूसरे स्वर पर जंप कर रहे हो। तो ये राग इस तरह के इस एक लाग से स्वरों पर जाने के लिए, या फ्लोटिंग तरीके से, या एज इफ यू आर स्विमिंग, तो इस तरीके से स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर पर स्विम करते हुए जा रहे हैं, यू आर फ्लोटिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नोट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गाते। तो आपको लगाओ का एक नया तरीका आपको पता चलेगा, और फिर आगे के रागों को या आगे कोई भी आप बंदिश कुछ भी आप गाते हो उसमें ये बहुत ही मदद करता है। इसीलिए इस राग को शुरू शुरू में सीखना चाहिए। जैसे उसका उदाहरण देती हूँ, सा ग म रे ग प, तो
आपने देखा मैं ऐसे नहीं गा रही हूँ, सा ग म रे ग प, इस प्रकार से नहीं जा, सा ग म रे ग प। तो एक स्वर अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं दर्शा रहा, वो दूसरे के साथ जुड़ता हुआ फ्लोट करता हुआ आगे जा रहा है, और यही इस राग की खासियत है। नहीं तो एक अलग तरह का गाना सामने आता। ज़रूर हम उसको बंदिश की तरह गा रहे हैं या उसको हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन उसमें रूह नहीं होती। और गाने में या बजाने में यदि रूह नहीं है, यदि भाव नहीं है, तो फिर वो संगीत नहीं है, वो फिर एक मैकेनिकल सा नज़र आता है। तो हमने, क्योंकि भाव जो है किसी भी फाइन आर्ट्स के लिए, किसी भी कला के लिए भाव का होना बहुत ज़रूरी है, तो भाव जो है इसकी अभिव्यक्ति के लिए जो है स्वरों को इस प्रकार से उनका प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार की संगतियाँ होनी चाहिए कि उस भाव को बिल्कुल स्पष्ट रूप से उजागर किया जा सके। तो रागों का जो आपस की जो संगतियाँ हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि ध और धैवत और गांधार की ध ग म रे ग प, तो ये देखिए इस प्रकार से इसका सा ग म रे ग प द नि द प ध ग म, अब देखिए कितने प्यार से जा रहा है। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सा ग म रे ग प द नि द प द ग म, गा तो रहे हैं लेकिन उसमें रूह नहीं है। सा ग म रे ग प द नि द प ग प नि नि द सा द नि द प द ग म रे ग प द नि द प द ग म रे ग प म ग म रे सा। तो ये था राग अलहैया बिलावल का एक स्वरूप। अब हमारे अगला जो हमारा पॉइंट आता है, जब हर राग को जब एक्सप्लेन करते हैं, वो है कि इस राग में हर स्वर की क्या स्थिति है, उसका कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बारी बारी से एक एक स्वर को लेते हैं। पहला स्वर है षड्ज। तो षड्ज मैंने जैसे आपको बोला कि न्यास का स्वर है। षड्ज पर भराव किया जाता है गाने को शुरू करने से पहले। षड्ज तानपुरे पर जोड़ी और खरज का तार षड्ज से ही मिलाया जाता है, यानी हमको एक एक प्लेटफॉर्म देता है या एक स्केल देता है, एक पटरी हमें बताती है कि इस पटरी पर हमारी जो है गाने की ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। तो वो हमें जब तक पता नहीं चलेगा तो हम कहाँ से शुरू करेंगे। तो सा भरना या सा लगाने का अर्थ यही है कि आप खूब डीप ब्रेथ कर लेकर जो है सा को आप लेंगे, यानी वहाँ से शुरुआत हो रही है, आरंभिक जो जगह है वो सा है। सा जितना लंबा आप खींच सकते हैं डीप ब्रेथ के साथ, आपकी आवाज के लिए वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप अपने बेस को बना रहे हैं। इस प्रकार से सा को भरना। अब सा से लेके आगे कैसे उसका विस्तार होता है। सा ग म रे सा, यानी सा से शुरू हुआ लाप और सा पर वापस हुआ। सा द द प, मंद्र में भी जाएंगे तब भी सा का प्रयोग है। द नि द प नि द सा, धैवत के साथ षड्ज की संगति, या दैनी सा, ये भी विद्वान लोग गाते हैं। तो धैवत निषाद निषाद के साथ भी षड्ज का जो जो संगति है वो दिखाई देती है। सा ग म रे सा, हम थोड़ा मध्यम तक गए वापिस आ गए। सा ग म रे ग प म ग म रे सा। तो यहाँ पर देखिए सा पर बार बार आ रहे हैं, चाहे हम आलाप कहीं भी ले कितना भी आगे जाए, लेकिन वापसी जो है उसकी एंडिंग जो वो सा पर ही हो रही है। तो इसीलिए देखिए न्यास का स्वर है।
गा मरे गा पामा गा मारे सा सादने जब वक्र रूप से हम जो है मंद्र का लाप लेते या इवन तार पे शर्ज पर जब जाएंगे तो इस प्रकार भी जा सकते हैं। ऋषभ से शर्ज पर आना और यही जो आलाप है जो हम मंद्र में करें इसी को भी आगे गा सकते हैं और शर्ज पर ग प नी द सा नी द प ग म रे ग प द नी द सा नी रे सा द नी द प वही चीज है जो नीचे है सा द नी द प ग म रे ग प नी द सा नी रे सा ग म रे सा द नी द प नी द सा नी रे सा द नी द प नी नी द द नी सा नी द प ग म रे ग प नी द सा नी रे सा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब हम राग का रियाज कर रहे हों या प्रैक्टिस कर रहे हों तो हम सा पर अधिक अधिक आए और मंद्र का ज़्यादा रियाज करें। तो खैर मैं सा के बारे में बात हो रही थी, सा पर न्यास का स्वर है, हर आलाप आकर बार बार आकर सा पर न्यास होता है, सा पर ठहराव होता है बहुत देर तक और किसी भी आलाप को आगे लेने के लिए या मंद्र में विस्तार करने के लिए हम सा को निग्लेक्ट कतई नहीं कर सकते। सा को ध्यान में रखते हुए सा पर टिकाव करते हुए हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, यानी हम यदि मध्य सप्तक का आलाप करें तो वहाँ पर भी विस्तार हो सकता है और मंद्र में सा को लेकर मंद्र सप्तक पर भी विस्तार हो सकता है। अब अगला स्वर है ऋषभ। ऋषभ का प्रयोग देखते हैं कैसे होता है। सा ग म रे सा ग म रे ग पा। तो आपने देखा जो ऋषभ है उसमें सा ग म रे सा, तो आप कहेंगे कि ऋषभ तो है ही नहीं। सा ग म यानी स्वर से मैं गंधार पर आई और फिर मैं मध्यम पर चली गई, तो ऐसा नहीं है। सा ग म रे ग पा, तो मैंने आपसे बोला कि वक्र राग है तो वक्रता इसमें भी है। सा ग म रे ग पा, इस प्रकार से वक्र रूप से प्रयोग होता है ऋषभ। तो अब आरोह में भी ऋषभ है और अवरोह में भी है। ग प नी ध प द नी द प ग म रे ग पा मा गा मा रे रे सा। तो देखिए अवरोह में गा मा रे गा पा मा गा मा रे, मध्यम के साथ ऋषभ की संगति मा रे रे सा। तो देखिए यहाँ पर ऋषभ का आरोह में भी प्रयोग है और अवरोह में भी प्रयोग है। डिफरेंस ये है कि आरोह में वो वक्र प्रयोग है, यानी सीधा सीधा नहीं गया, थोड़ा सा आगे गया फिर वापस आ गए फिर आगे चले गए। तो इस प्रकार से राग की खूबसूरती उसकी वक्रता है। तो ऋषभ जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है और उसका प्रयोग जब हम आलाप चाहे हम आरोह की तरफ जाएं या अवरोह में जाएं, दोनों में हमने ऋषभ का खूब प्रयोग करना है, बखूबी प्रयोग करना है। और इसका ये ध्यान रहे कि इसके बिना जो है वो राग जो है वो उसमें कमी आ जाएगी। तो ऋषभ स्वर भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है। तो ग म रे ग पा रे ग पा, ये फ्रेज मा ग मा रे सा और ये वाला फ्रेज, देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आरोहात्मक है एक अवरोहात्मक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पे हमें ध्यान देना है, किस पर? ऋषभ पर। ऋषभ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर है और ये अनुवादी स्वर है। अब अगले स्वर पर आते हैं, वो है गांधार। गांधार देखिए कितना बार बार झलकता है, कितना खूबसूरत लगता है। और गांधार वैसे भी क्या है, संवादी स्वर है, यानी उसकी मंत्री की उसको उससे तुलना की गई है। और बार बार ये स्वर चमकता है किस प्रकार से। सा गा मा रे गा पा, यानी पहले शर्ज से गांधार का संवाद। सा गा
मारे गा पा, गांधार से पंचम पर जाना, ग मरे गा पाए धागा, धैवत और गांधार का संवाद। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से गांधार अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। सा ग म रे ग प ध ग म रे ग प। अब धैवत से गांधार का जो जो संगति है वो बड़ी खूबसूरत सी संगति, ध ग म रे ग प ध ग म। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको लिया जाता है। और जब शुरुआत करते हैं सा रे ग म न कह के, सा ग म सा ग म रे ग प, तो आरोह में जब हम पंचम पर जाते हैं तो गांधार इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि गांधार एक माध्यम बनता है पंचम तक जाने के लिए। ग म रे ग प ग म रे सा। अब अवरोह देखिए, प म ग म रे सा, तो म ग मध्यम से गंधार आ गया, फिर म रे सा। यहाँ देखिए गंधार को छोड़ देते हैं कि वक्र, मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा पीछे जाएगा टेढ़ा मेढ़ा। तो राग जो है बहुत खूबसूरत, लेकिन राग को पहले हमें अच्छे से समझना होगा, इसकी जो एक इसकी जो चाल है इसकी जो चलन है उसको अपने माइंड में पूरी तरह से बिठाना होगा, तब ये राग बहुत खूबसूरती से इस राग में विस्तार किया जा सकता है। और बहुत ही सुंदर राग है, इस राग में आपको ध्रुपद भी मिलेंगे, इस राग में आपको विलंबित ख्याल भी मिलेंगे, इस राग में आपको द्रुत ख्याल भी मिलेंगे, इस राग में आपको तराने भी मिलेंगे, इस राग में आपको धमार भी मिलेगा, और ये राग में आपको भजन भी मिलेंगे। यानी राग जो है उसमें इतना कुछ है कि उसमें आप अपनी बंदिशों को, आप अलग अलग शैलियों को जो है समाहित कर सकते हैं। तो सब कुछ तब होगा जब राग के एक बेसिक नॉलेज राग की होना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे गांधार की। अब गांधार के बाद अगला स्वर आता है मध्यम। मध्यम जैसे मैंने आपको बताया कि आरोह में मध्यम क्या है, वर्जित है, यानी आरोह में जातक मध्यम का प्रयोग नहीं हो रहा है, और अवरोह में पूरी तरह से प्रयोग होता है। कैसे? सा ग म रे ग प। अब आप कहेंगे मध्यम तो आया था जब हमने आरोह गाया, ऐसे नहीं, मध्यम तो आए लेकिन वो अवरोहात्मक प्रयोग में। कैसे? सा ग म रे, मध्यम के बाद क्या आ रहा है? ऋषभ आया, तो अवरोहात्मक प्रयोग में है। रे ग प, गंधार से पंचम में जाए तो मध्यम हमने वर्ज कर दिया, मध्यम का प्रयोग हमने नहीं किया, तभी तो वो शाड़व जाती हुई उसकी आरोह में। ग म रे ग प म ग म रे सा प म ग, अवरोहात्मक म रे सा, फिर अवरोहात्मक। तो मध्यम यानी सिर्फ अवरोह में ही प्रयोग होगा, और बहुत खूबसूरत लगता है। मध्यम जो है वो भी एक ऐसा स्वर है कि राग में, राग के स्वरूप को बनाने में भी वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आरोह में प्रयोग नहीं हो रहा है, चाहे आरोह में उसको वर्ज किया गया, लेकिन अवरोह में वो पूरी तरह से प्रयोग हो, बहुत खूबसूरत लगता है गाते। सा ग म रे ग प म ग म रे सा ग ग प ग म रे ग प नि रे सा ग म रे ग प म ग म रे सा। तो इस प्रकार से मध्यम का प्रयोग किया जाता है। अब आई बात पंचम की। पंचम एक नास का स्वर है, पंचम तानपुरी की पहली तार पर पंचम है, और पंचम पर बार बार जो है आलाप जो है वो समाप्त किया जाता है, यहाँ पर ठहरा जाता है। किस प्रकार से? सा ग म रे ग प। तो अब देखिए पंचम जो है उस पर ठहरा हुआ है, ग म रे ग प म ग म रे ग प द नी द प नी द प। अब देखिए अवरोह में भी पंचम पर रुका है,
नींदा पा, और आरों में गम रे गा पा, ऋषभ गंधार फिर पंचम मध्यम को छोड़ते हुए सा नींदा पा, पंचम रुकेंगे फिर धगम। अब इस प्रकार की संगतियां बाद में लेके पंचम पर ठहरा होना चाहिए। पंचम जो है वो एक पिलर की तरह है इस राग के लिए, जो न केवल राग की शोभा बढ़ाता है बल्कि उस राग को मजबूती देता है कि हम जो अपना उत्तरांग और पूर्वांग जो है दोनों को हम जोड़ के रख सकते। तो पंचम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और क्योंकि ठहराव होता है तो आगे के आलाप करने में भी सुविधा होती है। सा गा मा रे गा पा मा गा मा रे गा पा, गंधार के साथ पंचम की संगति पाए दैनी दा पा गा मरे सा। तो ये था इस राग में पंचम स्वर कैसे लगता है। अब अगला आता है धैवत। धैवत में किस प्रकार, धैवत स्वर जैसे वादी स्वर बताया तो किस प्रकार इसके कौन से लक्षण है या कौन सी विशेषताएं जो उसको धैवत को वादी बनाती है। ग म रे ग पा ध ग म रे ग पा द नी द द प ध नी द प द ग म रे ग प नी द द सा द नी द प ग म रे ग प द नी द प। तो आप ये सोचे कि यदि हम यहाँ से धैवत को हटा दें तो राग की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, राग का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए धैव बहुत धैवत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों शुद्ध धैवत के बीच में कोमल निषाद आता है, तो कोमल निषाद को उसकी स्थान उसका स्थान देने के लिए जो है धैवत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सा ग म रे ग प द नी द प ध ग म रे ग प म ग म रे सा द नी द प, मेन जो फ्रेज अलैया बिलावल की पहचान में है उसको धैवत बखूबी सामने लाता है। अब अंतिम स्वर रहा वो है निषाद। निषाद इसमें दोनों निषादों का प्रयोग है, आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद। ग म रे ग पा द नी द प, दोनों धैवत के साथ शुद्ध कोमल निषाद का प्रयोग। ग प नी द द सा ग प द नी सा, ऐसे भी लोग गाते हैं तो शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है। तो आरोह में भी शुद्ध और अवरोह में भी शुद्ध निषाद, लेकिन अवरोह में कोमल निषाद सा नी शुद्ध निषाद द नी द प, तो दोनों निषादों का जो है उसमें प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभी स्वरों का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा, वक्रता अपने आप में कायम है और तार सप्तक का जो षड्ज है वो जिस प्रकार से मध्य सप्तक के षड्ज का प्रयोग होता है वही तार सप्तक। ग प नी द सा द नी द प नी द सा नी रे सा द नी द प ग म रे ग प म ग म रे सा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राग अलैया बिलावल में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से प्रयोग होते हैं और उनका स्थान क्या है। तो ये थी राग अलैया बिलावल का एक परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्याख्यान और हम अगले लेक्चर में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसी का हम कंटिन्यूएशन करेंगे इसी टीम के साथ। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार।